श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत कर्तव्य, श्वेत व्यक्तित्व से भरपूर, विश्व वंदनीय, विश्व प्रिय, विश्व विभूति, शांतिदूत, आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, उनका तो क्या कहना। मेरी उम्र 15 साल की थी, 1963 में मैं ज्ञान में आई और थोड़े ही समय में आज से 58 वर्ष पहले मैं दादी जी को मिली और इतना प्यार से दादी जी हमें मिले और बहुत अच्छी तरह से दादी जी ने शक्तिशाली दृष्टि दी और 1964 में कांदिवली का सेवा केंद्र खुला, डॉक्टर निर्मला दीदी ने खोला, तो दादी जी वहाँ पर बहुत आया करते थे, सेवा केंद्र पर आकर के सेवा करते थे। दादी जी मुंबई में ही थे तो जब ट्रेन में आते थे और जाते थे तो मैं खास विशेष रेलवे स्टेशन पर जाती थी दादी जी को लेने के लिए और जब वापस जाते थे तब भी मैं जाती थी जब तक दादी जी ट्रेन में बैठे। उस समय मैंने दादी जी से, दादी जी के सानिध्य में बहुत ही दादी जी सिंपल है ये अनुभव किया और ऐसे हम दादी जी से मिलते रहे, उनके सानिध्य में आते रहे। 1975 में सांताक्रूज ईस्ट का रेलवे स्टेशन के सामने ही एक नया सेवा केंद्र निमित्त बनकर के वहाँ पर लिया तो दादी जी वहाँ पर आए, सारे मुंबई के भाई बहन आए हुए थे और बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ और उसमें कार्यक्रम हुआ और उसमें दादी जी ने मुझे हार पहनाया और मेरे मस्तक पर हाथ रखा तो मुझे दादी जी की शीतलता का उस समय अनुभव हुआ और प्रेम का फिर से अनुभव हुआ कि सचमुच मैं तो धन्य हो गई और बहुत ही भाग्यशाली मैं रही कि दादी जी ने इस प्रकार से बहुत ही मिलनसार होकर के, और सभी भाई बहन भी वहाँ पर मौजूद थे तो वो भी बहुत सारे खुश हो गए और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैं बहुत गदगद हो गई और भाव विभोर हो गई। मधुबन में भी हमारा बहुत बार आना जाना रहा इतने सारे सालों में, तो जब भी मधुबन जाते थे तो ऐसे महसूस होता था कि ये दादी जी से हमारा मिलना बहुत अनुपम, अनोखा, अद्भुत, अलौकिक है। और जब तक दादी जी की दृष्टि जाकर के नहीं लेते थे तब तक बहुत ही मन में रहता था कि कब दादी जी की हम दृष्टि ले और कब दादी जी को मिले, ऐसे चैन ही नहीं आता था। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी और मैं गई हुई थी वहाँ पर, तो दादी जी बहुत व्यस्त थे उस समय। वैसे तो हमेशा मैं निकलते समय वहाँ से दादी जी से हमेशा छुट्टी लेती थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो उस समय मैंने सोचा कि दादी जी इतना व्यस्त है तो मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ और निकल गई मैं। तो मुझे बाद में पता चला कि दादी जी ने बहनों को पूछा कि मीरा चली गई, तो जब ये बात मुझे पता चला तो मन में आया कि दादी जी के साथ कितना अपनापन है दादी जी को और मेरा भी कितना अपनापन है कि दादी जी ने मेरे लिए इतना आत्मीयता से और इतना प्यार से दादी जी ने पूछा। उसके बाद हमेशा मैं दादी जी को कह कर के ही निकलती थी वहाँ से और उनकी छुट्टी लेती थी। एक बार ऐसे हुआ कि हम सांताक्रूज से बहुत सारे भाई बहनों को लेकर के वहाँ पर मधुबन गए तो दादी जी को, मेरी लौकिक जो बहन है योगिनी बहन, उसने शायद कह दिया दादी जी को कि मीरा का जन्मदिन है, तो नेक्स्ट डे था तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ दूसरे दिन कि सारे भाई बहनों के सामने दादी जी ने एक बहुत बड़ी केक मंगाई, बहुत बड़ी केक थी वो, और फिर वो केक जो है वो सभी के सामने सभी मिलकर के काटी और दादी जी ने मेरे मुख में वो स्वीट खिलाया। तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि दादी जी इतना प्यार करते हैं और इतना केयरिंग है दादी जी, इतना हमारा ध्यान रखते हैं।
तो सचमुच वो जो मेरा जन्मदिन था वो मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहा। और जितनी भी बार दादी जी मिलते थे तो कहते थे कि इनोग्रेशन के बाद में, वो कार्यक्रम के बाद में, कि यहाँ पर सांता क्रूज में बहुत सेवा होगी। और सचमुच दादी जी का जो वरदान था, दुआएं थी कि बहुत सेवा होगी, तो बहुत ही सेवा शुरू भी हो गई। और यही कहते थे दादी जी कि एक सेंटर वो 10 सेंटर के बराबर है ये सांता क्रूज का। तो दादी जब भी हमारे साथ मिलते थे तो हमारे दिल को बहुत ही छू लेते थे और इतना हमें लगता था एक चुंबक की तरह दादी जी का मुखार विंद है कि वो हमें रूहानी आकर्षण में बहुत ले आता था। फिर एक बार ऐसे हुआ कि हम सभी वहाँ पर सारे खड़े हुए थे, वहाँ पर सारे हम बातें कर रहे थे और दादी जी ने मुझे बुलाया, कहा कि आज ब्रह्मा भोजन साथ में करेंगे। तो इस प्रकार से दादी जी की जो परवरिश हैं, वो परवरिश दादी जी की हमें बहुत 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 मिली हैं। और दादी जी के साथ मैंने देखा कि इतना अच्छी तरह से दादी जी में हमने सरलता देखी कि जब भी हम दादी जी को कुछ भी सेंटर के बारे में कोई भी बात पूछने के लिए जाते थे कि दादी जी नया सेंटर जो है वो खोलना है, तो तुरंत दादी जी निर्णय लेते थे और इतना हर्षित मुख रहते थे और हर्षित मुख होकर के कहते थे कि हाँ हाँ जरूर जरूर। तो सेवा में हमेशा दादी जी ने हमें उमंग और उत्साह हमारा भी बढ़ाया। और मैं स्वयं भी दादी जी से ये बात सीखी, मैंने भी शिक्षा प्राप्त की कि कैसे हमें हमेशा अपने जीवन के अंदर हमें बहुत उमंग और उत्साह रखना है, उल्लास रखना है, और औरों को भी जीवन में हमें उमंग और उत्साह लाना है औरों का। तो देखा तो सरलता, नम्रता और सादगी, ये तीनों का त्रिवेणी संगम देखना हो तो सचमुच दादी जी में। और ये त्रिवेणी संगम हमने दादी जी में देखा। दादी जी दिव्यता की तो मूरत थी और हमारी प्रेरणा स्रोत रही कि इतना सुंदर रीति से इतने सालों तक इतना अच्छी तरह से श्रेष्ठ परवरिश दादी जी ने हमें दी। दादी जी की मैं विशेष शिक्षा ये ग्रहण करती हूँ कि दादी जी कहते थे कि तन और मन की शक्ति बहुत है और ये दोनों शक्ति को कभी भी व्यर्थ हमें जाने नहीं देना है, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति हमें उसको यूज़ करना है, उपयोग करना है और सदुपयोग करना है। तो इस बात का मैं अभी बहुत ध्यान रखती हूँ। दूसरी महत्व की शिक्षा दादी जी हमेशा कहते थे कि औरों को हमेशा हमें सम्मान देना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। तो मैं भी इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुझे औरों को सम्मान देना है। और तीसरी महत्व की बात दादी जी हमेशा कहते थे कि जीवन के अंदर स्वयं की उन्नति हमें करनी है तो स्वयं की उन्नति के लिए हमेशा हमें जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प हमें करना है और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो इस बात का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि जो भी श्रेष्ठ हमें करना है वो दृढ़ संकल्प से ही हमें वो श्रेष्ठ करना है। जब भी भाई बहनों के साथ शांतिवन हम जाते थे और दादी जी मुरली सुनाते थे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था और इतना आनंद आता था, आनंद में हम विभोर हो जाते थे। और मुरली के बाद में दादी जी ऐसे सभी को हाथ हिला करके सभी का अभिवादन करती थी, सभी के प्यार का अभिवादन करती थी। तो उस समय तो ऐसा लगता था कि क्या सुंदर दृश्य है, और वो दृश्य आज भी हमारे आँखों के सामने है। और कान में भी दादी जी की जो मुस्कुराहट थी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो वो मुस्कुराहट जो है और वो बहुत ही मधुर मुस्कुराहट हमारे कानों में भी आज तक बहुत ही गूंजती ही रहती हैं। सचमुच दादी जी देवी फुलवाड़ी की मल्लिका थी, महामल्लिका थी। दादी जी के लिए कहूँगी कि कितना ना आपका गुणगान करें हम, बेमिसाल है दादी जी आप इस जग में, बेमिसाल है दादी जी आप इस जग में। ओम शांति। दादी प्रकाश में।